क्या क्या तकलीफें हैं आपको इस समय? पूरा कमर से लेके पूरा ये भाग और यहाँ से दर्द शुरू होके पूरा ये काफ मसल में यहाँ तक सूजन हो जाती है मेरी। सूजन हो जाती है हाँ, और पैर में झंझनाहट सुनपन वगैरह रहती है, चलने फिरने में दिक्कत चलने है, बहुत थोड़ा दिक्कत होती है। कितनी देर खड़े रहे? पहले से ठीक लग रहा है। इस पैर को उठाइए जहाँ खिंचाव लगने लगे वहाँ रुकना है। यहाँ पर दिस मच सो SLRT हैज इम्प्रूव टू 30 to 50। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड लीजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर विकास, ही इज 29 ईयर ओल्ड और ये गुजरात से हमारे पास आए हैं। इनको कमर में दर्द स्टार्ट हुआ था लगभग 1.5 साल पहले। हाँ, 1.5 साल पहले सर। कमर का दर्द स्टार्ट हुआ था और कमर का दर्द इनको पूरे के पूरे लेफ्ट लोअर लिम में जाता है। जब 1.5 साल पहले दर्द स्टार्ट हुआ था तो शुरू में इनके पैर में दर्द नहीं था, लगभग 3 महीने के बाद इनको दर्द पूरा बटक से जाते हुए नीचे टिल काफ मसल्स यानी कि शाटिका वाला पेन इनको टिपिकल पेन है। ये 1 से 2 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, तुरंत इनको पैर में दर्द आने लग जाता है, पैर में झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है और काफ़ी जगह ये दिखा चुके हैं और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल नहीं पाते। सुबह इनको कमर में अकड़न रहती है। एक बार मैं SLRT चेक करता हूँ, फिर इनसे जानेंगे इस समय क्या क्या तकलीफें हैं और कितनी जगह पर ये दिखा चुके हैं। सर पहले इस वाले पैर को उठाइए, ठीक है, इस वाले पैर को उठाना है जहाँ खिंचाव लगने लगे, बताना है मुझे। बस हो रहा है, दस खींचा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ाता हूँ तो ज्यादा हो रहा है बहुत दर्द। दर्द हो रहा है, ठीक है। तो 30-40 के आसपास 40 SLRT आ रहा है अभी, अभी आराम है। आराम है। ये सब में दर्द रहता है, हाँ इस समय भी वहाँ दर्द चल रहा है आपको? नहीं, उधर नहीं। हाँ एक बार बैठ जाइए। क्या क्या तकलीफें हैं आपको इस समय? पूरा कमर से लेके पूरा ये भाग और यहाँ से दर्द शुरू होके पूरा ये काफ मसल में यहाँ तक सूजन हो जाती है मेरी। सूजन हो जाती है हाँ, और पैर में झंझनाहट सुनपन वगैरह झुनपन रहती है, होता है, चलने फिरने में चलने दिक्कत में है। बहुत दिक्कत होती है। कितनी देर खड़े रह पाते हो? 2 से 3 मिनट बस, ज्यादा से तब ज्यादा। दर्द आया था, स्टार्ट हो जाता है। दर्द चालू हो इस समय भी आपको दर्द महसूस हो रहा है कि रहा पैरों है। में दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इसलिए मैंने पूछा कि इंजेक्शन के बाद फिर हम लोग आधे घंटे के बाद फिर रिव्यू लेंगे कि आपको किस किस चीज में रिलैक्सेशन महसूस हो रही है। पैर टाइट लगने लग जाता है, कमजोर भी लग रहा है? हाँ, कमजोर हो रहा है। ठीक है, लेट जाइए। सो वी हैव प्लान, इनके MRI हमने देखे, उसके अंदर L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स है एंड इट्स ए ऑलमोस्ट विद कनाल स्टेनोसिस है एंड नर्व कॉम्प्रोमाइज है। देर इज EHL वीकनेस 4/5 है इनकी, एक्सटेंसर हेलोसिस वीकनेस। EHL ऑल्सो इम्प्रूव्स, EHL की जो वीकनेस होती है वो भी DSCB इंजेक्शन के बाद इम्प्रूव कर जाते हैं। सो वी आर प्लानिंग फॉर DSCB beta 1 2 3। सो मैंने इनको beta 1 2 3 लेफ्ट साइड में लगाया है और आधे घंटे के बाद हम लोग देखेंगे कि कितनी क्या इम्प्रूवमेंट इनको नज़र आ रही है, SLRT में क्या इम्प्रूवमेंट है, पैर में रिलैक्सेशन कितनी फील हो रही है। अभी जो इंजेक्शन से पहले कह रहे थे कि इनको दर्द महसूस हो रहा है कुछ लेवल पे, तो उसमें कितना क्या सुधार इनको आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पेशेंट है मिस्टर विकास गुजरात से। हमने इनको DSCB beta 1 2 3 लेफ्ट साइड लगाया था। ही वाज इन वेरी सीवियर पेन, SLRT वाज ऑलमोस्ट 30। अब देखते हैं कितनी क्या इंप्रूवमेंट इनको पेन में आ रही है और SLRT में कुछ इंप्रूवमेंट आई है क्या। तो सर अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा बेटर है, से अच्छा पहले लग से रहा ठीक लग रहा है। इस पैर को उठाइए जहाँ खिंचाव लगने लगे वहाँ रुकना है। यहाँ पर। दिस मच सो SLRT हैज इम्प्रूव टू 30 to 50। ठीक है, ये रिलैक्स लग रहा है, ये रिलैक्स लग रहा है, चलो गुड। एक बार उठ जाइए, आपने बताया था कमर में भी काफी पेन रह रहा है, कमर का कैसा लग रहा है अभी? कमर में तो बिल्कुल ठीक है। कमर का इंजेक्शन के बाद वी हैव गिवन हिम tau 4 and 5 ऑल्सो, हमने कमर में भी इनको इंजेक्ट किया है दो जगह पे tau 4 and 5। कमर रिलैक्स लग रही है पूरी? रिलैक्स लग रही है, वेरी गुड। हाँ जी, और पैर में जो आपने इंजेक्शन से पहले दर्द बता रहे थे उसमें कमी आई है? कमी कमी आई है। एक बार घूम के देखें, पहले से और अब में कुछ फ्रीनेस है कि फ्री है। फ्री है पैर घूमने में? ओके, थोड़ी देर सुनपन रहता है एडी में हमेशा, बिकॉज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, हम इसके अंदर लॉक्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सुनपन पेशेंट को रहता है, वो थोड़ी समय के बाद अपने आप ही चला जाता है। पहले से कैसा फील कर रहे हो आप? ठीक है, पहले से पैर एकदम फ्री है, पहले से। पहले से फ्री हाँ, हो, फ्री भारी हो नहीं रहा लग है। रहा है बिल्कुल। और कमर का? कमर का दर्द नहीं है। कमर का दर्द बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे गुजरात से आए हो, लग रहा है कि ठीक हो जाओगे, हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पहले इंजेक्शन से मेरे को इमीडिएटली 30 मिनट्स इम्प्रूवमेंट लेता है है तो मेरे को इम्प्रूवमेंट है? कमर।
30 मिनट्स में इंप्रूवमेंट है। सो 30 मिनट्स के अंदर जब इंप्रूवमेंट शो करता है इंजेक्शन, तो वी बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, स्पेशली आई बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि पेशेंट इंप्रूव करेगा ही करेगा। तो वो पेशेंट हमारे पास यूजुअली 80-90% की रिकवरी कैंडिडेट्स बन जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि यंग पेशेंट्स में जिनके अंदर भी डिस्क की समस्याएं हैं, जिनके अंदर भी शियाटिका पेन है, उनके 85-90% ऑफ पेशेंट्स को किसी भी प्रकार के सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 90% मरीज जो 50 साल से कम उम्र के हैं बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं, बशर्ते लेकिन वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। लॉन्ग रन के अंदर जाके आपको ना इंजेक्शन की जरूरत होती है ना मेडिकेशन की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक्सरसाइजेस एंड प्रिकॉशंस को फॉलो करें। अगर आप 12 हफ्ते तक पूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो लेटर ऑन जाके अगर जो हमारे पास लॉन्ग टर्म में पेशेंट आ रहे हैं जिनको हमने 1 साल पहले लगाया 1.5 साल पहले, अगर वो रिव्यू में आते तो वो कहते हैं 1-2% 5% कुछ है भी तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बिल्कुल फिट रहता हूँ। तो वही हमारा एम होता है कि पेशेंट को हम उस लेवल तक लेके जाएं कि लेटर ऑन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस के माध्यम से ऑलमोस्ट ठीक रह सके और अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सके। एक्टिव लाइफस्टाइल में वो बाइक भी ड्राइव करें, वो जिस प्रकार से उनको अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है, घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। हम उसमें कोई ऐसी लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस हम कभी भी नहीं देते कि आपको झुकना नहीं है, बैठना नहीं है, ये सब चीज़ें जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ज़्यादातर दे दी जाती है कि आपको बिल्कुल मत मूवमेंट करिए, बिल्कुल रेस्ट पे रहिए, तो उससे हमारी कोर मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। अब जैसे आप 1.5 साल से परेशान हो तो जितनी भी मसल्स हमारी होती है, काफ के अंदर मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स मसल, ये सारी की सारी वीक हो जाती हैं, तो वी नीड एटलीस्ट 12 वीक्स, हमें 12 हफ्ते की कम से कम जरूरत होती है कि हम कोर मसल्स, बैक की मसल्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, काफ को स्ट्रेंथनिंग कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके जानने वालों में किसी को भी डिस्क की समस्या है, लंबर डिस्क प्रोलैप्स है, शियाटिका प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, ऐसी कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और DSCB के माध्यम से आप पेन फ्री एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं और किसी भी प्रकार की डिस्क की समस्या को बिना किसी ऑपरेशन के आप ठीक कर सकते हैं। आगे में भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलते हैं, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।